क्यों भी कमी नहीं, तूने मुझे आँख मारी। क्या यार, मुझे आँख मार के क्या फायदा, एक लड़की को आँख मारता, कम से कम तुझे रिप्लाई में वो एक चाटा तो खिलाती। क्या यार, लेकिन फ्रेंड्स मैं बात कैसे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज कुछ ऐसा हुआ, तो फ्रेंड्स उसने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे तो छोड़िए, जिन जिन लोगों की नजर उस पर पड़ी उन सबको उसने नहीं छोड़ा। तो फ्रेंड्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए अभी देखते, अभी आपको दिखाते कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी कमीने ने मुझे आंख मारने की कोशिश की थी, अभी साले की आंख चेंज करता हूँ। देखना तुम, आपको काफी मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इंजीनियर पवन के साथ, आपको काफी मजा भी आने वाला है, अभी आज साले की आंख ही चेंज कर डालेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स दरअसल ये मेरी बाइक की फॉग लाइट है, इस लाइट को मैं पिछले 2 सालों से लगातार यूज़ कर रहा था। तो फ्रेंड्स इसने मुझे काफ़ी अच्छा आज तक रिजल्ट दिया है, लेकिन फिर बाद में इसने मुझे धोखा दे दिया। तो फ्रेंड्स ये इसके LED कुछ ब्लिंक कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका फोकस यानी बंद चालू ऐसा यानी लोगों को परेशानी ये कर रहा था। तो मुझे भी कई लोगों ने पूछा था कि भाई ये लाइट ऐसा क्यों कर रहा है, ये काफ़ी ब्राइट तो दिखता है लेकिन ये आग क्यों मार रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो फ्रेंड्स कई सारे लोग इस तरह के फॉग लाइट्स अपने बाइक्स में यूज़ करते हैं और वो 1-2 साल चलते हैं या फिर 1-2 महीने में भी वो लाइट ऐसे ब्लिंक करने लगता है, यानी वो लोगों को आँख मारने लगता है बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे बिल्कुल मत फेंकना, उसे रिपेयर किया जा सकता है, ओके। तो चलिए भाई अभी बहुत आँख मार लिए, अभी आपको रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसे ओपन कर चुके हैं, देख सकते हो आप, तो इसमें SMD LEDs लगे होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसी फॉग लाइट में हमने DRL भी फिट किए हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये DRL भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको सेंटर में जो 3 LEDs जो दिख रहे हैं, तो इन 3 LEDs में से ही कोई LED ब्लिंक करता है, ओके। तो ये सारे सीरीज में होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से एक भी अगर LED ब्लिंक करता है तो सारे तीनों के तीनों LED ब्लिंक करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 LED सीरीज में होते हैं और उन्हें एक 10 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे लगा होता है। तो इस तरह से कुछ सिंपल सर्किट इसका होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके LED अभी हमें चेक करने हैं, तो चेक करने से पहले हम सोल्डर की मदद से इसकी वायर अभी निकाल देंगे, ठीक है, और हम इसका प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें पहले LED चेक करने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3 से 4 वोल्ट तक हमें DC वोल्टेज लगेगा। तो मैं मेरे पावर सप्लाई में से 3 से 4 वोल्ट के बीच में एक वोल्टेज रेंज सेटअप कर लूँगा, DC वोल्टेज, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो आप मल्टीमीटर के ऊपर भी मैं एक पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको मल्टीमीटर अगर सीखना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ जाके मल्टीमीटर सीख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो अभी हम DC वोल्टेज पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने 3.5 वोल्ट लगभग मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। तो आप 3 से 4 वोल्ट तक इसके बीच में आप कोई भी वोल्टेज लेके इस LED को चेक कर सकते हो, इन सारे LED को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसे चेक करते हैं, ठीक है भैया, अभी बहुत ब्लिंक कर ले, अभी तुमको उखाड़ के ही फेंकेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम पहले LED चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो देखो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, यानी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देखो ये थोड़ा पहले ब्लिंक हुआ, उसके बाद में नहीं चला, देखो इसके बाद में ये अभी ठीक चल रहा है, और जो थर्ड वाला जो है वो भी ब्लिंक कर रहा है ये LED, ठीक है, यानी ये भी बहुत ही आँख मार रहा है। चलो भैया अभी तुम्हारा टाइम हो चुका है, अभी तुमको निकाल के ही छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो जो ब्लिंक कर रहा है यानी वो LED पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, थीके? तो इसकी वजह से ही बाकी LED भी ब्लिंक करने लगते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें उसको ही चेंज करना होगा, ठीक है। तो उसे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, और वही LED हम निकालेंगे। फ्रेंड्स मैंने मेरे कई सारे वीडियोस में मैंने दिखाया है कि LED कैसे लगाना है, LED कैसे माउंट करना है, ठीक है। फिर मैं अभी आपको LED माउंट करके दिखाऊंगा, ये LED हम अभी चेंज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सोल्डर गन लगेगा, ठीक है। तो हम पहले सोल्डर गन ले लेते हैं, ओके, और उसे हम नीचे से हीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें पहले इस तरह के LED होने हमें चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह के LED जो आपका 4 वोल्ट का जो LED आता है,
तो वो एलईडी आपके एलईडी बल्ब जो आता है 18 वाट का या फिर 15 वाट का या फिर 21 वाट का एलईडी बल्ब जो आता है तो उसमें आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। तो मैंने भी एलईडी बल्ब में से निकाल के ये सारे एलईडी रखे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसे चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम सिंपल से सोल्डर गन के ऊपर से हम रखेंगे, ठीक है, और इसे नीचे से हीट होने देंगे, ठीक है। तो हम सोल्डर गन के ऊपर रख देंगे। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि पीसीबी जल लेना, ओके। तो आपको ज़्यादा हीट होने नहीं देना है, सिर्फ एलईडी निकलने यानी सिर्फ एलईडी निकले ऐसा ही आपको हीट करना है, और जैसे ही पीसीबी हीट हो जाए तो हम आसानी से एलईडी को निकाल सकते हैं। तो हम ऊपर के यानी ऊपर से ही हम एलईडी को उठा लेंगे और ऊपर से ही हम एलईडी को माउंट कर सकते हैं। देखो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा SMD एलईडी, ठीक है। तो इसका जो छोटा पोर्शन है वो इसका प्लस रहता है और जो बड़ा पोर्शन है वो इसका माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पोलैरिटी सिंपल सी पोलैरिटी होती है। फ्रेंड्स आप जब भी एलईडी लगाओगे तो आपको पोलैरिटी देख के ही आपको लगाना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स अगर ये हीट हो जाए पीसीबी तो आसानी से एलईडी इस तरह से आप निकाल सकते हो, देख सकते हो आप, तो आसानी से ये एलईडी निकल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ये तीनों के तीनों एलईडी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स आपको तीनों के तीनों एलईडी एक जैसे ही लगाने हैं, यानी एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सब सीरीज में होते हैं तो उनका वोल्टेज और उनका जो करंट रहता है करंट ड्रॉप, ओके, तो उनका जो मिली एम्पियर में जो करंट होगा तो करंट सेम होना चाहिए। इसके लिए आपको सब एक जैसे ही एलईडी आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप सीरीज में एलईडी लगाओगे तो सबका करंट और वोल्टेज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी तरीका है, आप सिंपली इसे एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हो। आप चाहे डीसी का एलईडी बल्ब हो या फिर एसी का, तो उसे आप सिंपली रिपेयर कर सकते हो। इसे ही बस यही स्टेप्स फॉलो करके आपको एलईडी चेंज करना है, ठीक है। तो आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। देखो इस तरह सिंपल आपको ऊपर से रखने का, ठीक है, इस तरह से आप रखेंगे और ऊपर से आप थोड़ा सा प्रेस करके उसे अच्छे से सेटअप कर देंगे उसकी जगह पे, ठीक है। बस पोलैरिटी का ध्यान रखना है, ये बस काफ़ी सिंपल है, ओके। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारी LED अभी चेंज कर दी है, ठीक है। अभी हम इसे चेक कर लेंगे एक एक, ओके। फ्रेंड्स मेरे पास LED सारे अवेलेबल थे, यानी 9 LED मेरे पास अवेलेबल थे, इसलिए मैंने 9 के 9 LED मैंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको वही तरीका यूज़ करना है। तो इस तरह से हम सारे LED चेक करने के बाद हम इसे डायरेक्टली अभी हम 12 वोल्ट पे चला के देखेंगे कि आखिर ब्राइटनेस कैसे दे रहा है और सभी LED हमारे चल रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। अभी हम जहाँ पे उसका VCC लिखा होगा वहीं पे हम वोल्टेज इनपुट दे देंगे। तो देखो ये काफ़ी अच्छे से अभी वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस अभी दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो चीज़ हमने जहाँ से निकाली थी वापस वैसे ही सोल्डरिंग वगैरह सब वो कर देंगे, और जैसे ही हमने उसको सब ओपन किया था वैसे हम सब क्लोज करके उसे हम अच्छे से फिटिंग करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, ये कैसे ब्राइटनेस दे रहा है, और इसका मैं DRL भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स आप जब फिटिंग करेंगे तो उसका जो लेंस है कांच का लेंस, तो वो आपको परफेक्टली फिटिंग में लगाने का है, वरना इसका लेज़र अच्छे से जा नहीं पाएगा दूर तक और इसका ब्राइटनेस भी आपको कम लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप इस तरह से ये अभी काफ़ी अच्छे से चमक रहा है और काफ़ी अभी ब्राइटनेस भी दे रहा है। अभी ये और एक दो साल चल जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का LED है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है इसका DRL, देख सकते हो आप ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इसका लिंक इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख के आप भी इसे DRL बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, तो इस तरह से मैंने कुछ सेटअप इसमें लगाया है, आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कैसे इसको बनाया गया है, वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया है, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के बारे में या फिर मेरे कोई और वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हमेशा हंसते रहिए, अपने अपने टाइम काम पे करते रहिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।